ऐतिहासिक दशमुखी दुर्गा मूर्ति संग्रहालय के आसपास के क्षेत्र में चंद्रपुर नगर निगम द्वारा डंपिंग यार्ड के निर्माण से क्षेत्र का प्राचीन पुरातत्व महत्व कम हो जाएगा और इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी गंभीर जानकारी देते हुए शुक्रवार 24 सितंबर को निगम को ज्ञापन सौंपा गया। इस मुद्दे पर महाकाली डिवीजन इको प्रो के प्रमुख अब्दुल जावेद के नेतृत्व में संयुक्त आयुक्त पालीवाल के साथ बैठक के दौरान चर्चा की गई। इस अवसर पर महिला अधिकारिता बांबू कलाकार मीनाक्षी वाल की इनकी प्रमुख उपस्थिति थी। भीवापुर वार्ड के अंतर्गत मातानगर क्षेत्र में दशमुखी दुर्गा मूर्ति संग्रहालय है। इसी जगह रावण की मूर्ति के आसपास कई प्राचीन पुरातत्व अवशेष भी है। कदम शाह वली दरगाह और विकोले अस्पताल भी इस परिसर में है, जिन जगहों पर देश विदेश से लोग और पर्यटकों का तांता लगा रहता है। वहां इन डंपिंग यार्डों से काफी गंदगी और बदबू आ रही है। वही मच्छरों ने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को और बढ़ा दिया है। इसलिए इको प्रो ने मांग की कि स्थान पर नगर निगम द्वारा बनाई गई गंदगी पर यह प्राकृतिक और पर्यावरण हितोषी उपाय किया जाए। काही दिवसापासून इथे कचरा टाकला जात आहे तो पूर्ण वाड्यातला, आणि तो पावसामुळे कुजल्या जात आहे तिथल्या तिथे। त्यांचं म्हणणं असं आहे की तो कचरा रोज उचलला जातो, पण काही जो कचरा प्रमाणात तिथे शिल्लक आहे तो तिथल्या तिथे सडून त्याचा वास येत आहे। दिवसभरात खूपच वास येते त्याचा, आणि सायंकाळी सुद्धा त्या वासाचा त्रास येतो। आमच्याकडे छोटी मुलं आहेत, ANC आहेत, PNC आहेत, या महिलांना त्यांचा त्रास होत आहे। आणि सगळीकडे आमचे धार्मिक क्षेत्र आहे, इथे पुरातन विभाग आहे, इथे हनुमान मंदिर आहे, इथे मोठा शिवलिंग आहे, तर इतका मोठा प्लेग्राऊंडही आहे, त्या वासाचा इतका त्रास होत आहे या परिसरात। माझं असंच म्हणणं आहे की ते डंपिंग ग्राउंड तिथून हटवून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात यावं, इथे कचरा टाकू नये। डंपिंग यार्ड की परिधि समय के साथ बड़ी है और 10 सिरों वाला दुर्गा मूर्ति संग्रहालय और क्षेत्र में रावण मूर्ति परिसर गंभीर स्थिति में है। चंद्रपुर के मातानगर वार्ड में प्राचीन गोमुख हनुमान मंदिर, ऐतिहासिक दशमुखी दुर्गा मूर्ति संग्रहालय, कंदमशावली दरगाह और उसको लगकर ही वेकोली का एरिया हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन यहीं पर महानगर पालिका ने अपना डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे परिसर में गंदी बदबू फैली हुई है। इस डंपिंग यार्ड को यहां से हटाने के लिए मातानगर के नागरिकों द्वारा और इको प्रो महाकाली विभाग द्वारा महानगर पालिका में 200 हस्ताक्षर का निवेदन दिया गया। ये डंपिंग यार्ड अगर जल्दी यहाँ से बंद नहीं किया गया तो स्थानिक नागरिकों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इको प्रो ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर इको प्रो के सदस्य विमल शाह, अरुण तिंगरवार, वार्ड के नागरिक नरेश कोमटपल्लीवार, ओम प्रकाश सिन्हा, राहुल सोमकुवर, प्रमोद देवांगन, नरेंद्र बंसुर ये इस दौरान उपस्थित थे।